हेलो साथियों, कैसे हैं। मैं नंद भारत स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। तो अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय आप यानी कि पेट का जो है एग्जाम है वो नजदीक है, और साथ ही यूपीएसआई का है, और दोस्तों साथ ही आरओआरओ का है, लोअर पीसीएस का है, यूपीपीसीएस सपर कोऑर्डिनेट का है। तो ये सारे एग्जाम आपके सामने है, नजदीक है। तो कोड आपको लगाना है अनंत भी, और अनंत भी कोड के साथ आप यानी कि इजी से क्या कर सकते हैं, आसानी से एक ऐसी क्लास और एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ सकते हैं जो अपने आप में सुपर से ऊपर है। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज ही यानी कि सब्सक्राइब करेंगे और आज ही जुड़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सबसे खास बात जो है दोस्तों, सबसे खास बात क्या है। तो सबसे खास बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे आपको हम रेगुलर यानी कि हर सुबह जो है करंट अफेयर्स का एक डोज देते हैं, और ये डोज जो है दोस्तों ये यानी कि सवेरे 7 बजे मिलता है। याद रखिएगा, सवेरे 7 बजे, ठीक है। और कहाँ पे मिलता है, तो लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर, जिसमें वन लाइनर होते हैं, चर्चा में होता है, एमसीक्यू सेक्शन होता है और मैप सेक्शन होता है। तो ये क्लास जो आज हम ले रहे हैं ये ओनली सैटरडे को प्लान की जाती है, ठीक है। अगर आपको रेगुलर हमसे मिलना है तो दोस्तों यानी कि सुबह 7 बजे और फिर आपको 2:30 यानी 2:30 बजे आपको आना पड़ेगा। ये रेगुलर हमारा टाइमिंग है यानी कि आपसे मुलाकात करने का। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें। विचार क्या है कि लोग क्या कहेंगे ये आप मत सोचो। लोगों का काम है कहना, तो कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोगों का काम है कहना, तो लोगों को कहने दीजिए। हमको आगे बढ़ना है और कुछ अच्छा सोचना है, ठीक है। कभी ये भी सोचिए कि भगवान ने आपके बारे में क्या सोचा है ना, तो भगवान ने कुछ आपके बारे में स्पेशल सोचा होगा, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा सोचना होगा। आज हम आपके लिए 35 क्वेश्चन लेकर आए हैं, टॉप 35 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसे आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में बिल्कुल फंसेंगे, यानी पेपर फंसाने वाली क्लास है। इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अनंत भी यूज कोड करके आप कर सकते हैं। जी हाँ, विपुल कुमार जी, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर हमारी क्लास डेली आपकी चल रही है। थोड़ा सा हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि फतेह यूपीपीएससी फ्री टेस्ट के साथ प्लस सब्सक्रिप्शन पर स्कॉलरशिप जीतने का एक शानदार आपको मौका है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, क्वेश्चन शुरू होते हैं और साथ में आपको ये भी पता चल रहा है कि हम आपको रेगुलर कहाँ मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐप की क्लास में भी हम आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे और दोस्तों 2:30 बजे, 2:30 पे। तो निशु सैनी, विपुल कमलेश, विपुल दौलराम श्याग, नवेल। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉग है, क्लाउड है, मिस्ट है, ये एग्जाम्पल है। जी हाँ, अब आपको बताना है ये किसके एग्जाम्पल है। ये कोहरा है, बादल है, धुंध है, ये सब उदाहरण है। किसके उदाहरण है, जरा देखते हैं आप में से कौन बता पाता है कि ये आपके किसके उदाहरण है, कोहरा, बादल, धुंध। तो आपने जवाब दिया है, जी हाँ, पेट के क्वेश्चन भी सेंड कर देना। बिल्कुल आयुषी जी, आप 2:30 पर रेगुलर हमसे मिले। यहाँ पे पेट का सीरीज ही हम आपका शुरू कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है एरोसॉल। आखिर एरोसॉल क्यों हुआ, क्योंकि ये टिनी पार्टिकल्स होते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपका क्लाउड्स है, फॉग है और मिस्ट है। हो सकता है आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा हो। क्यों दिख रहा हो, क्योंकि ये धुंधला है। जैसे क्लाउड्स जो होते हैं थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, फॉग उससे छोटे होते हैं और मिस्ट आपके और छोटे होते हैं। जो मिस्ट के बारे में अगर हम कहें, जैसे कि आप टीवी के अंदर, अगर कभी आपने टीवी रेडियो वगैरह अगर आपने खोला है, अगर आप में से कभी टीवी रेडियो वगैरह खोलो, तो टीवी के अंदर आप देखोगे तो मिस्ट पाया जाता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फॉग। अक्सर आप सुनते हो क्या चल रहा है, तो कहते हैं फॉग चल रहा है ना, इस तरीके से। और बादल तो आपको पता ही है, पानी के बड़े बड़े होते हैं जो तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेट्रोल पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो है वो आपको अप्लाई किया जाएगा, ये बताना है। हाउ मच एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस विल बी लेवेड ऑन पेट्रोल। तो दोस्तों, 1 रुपए पर लीटर, 2.5 पर लीटर, 3.5 पर लीटर या 4 रुपीज पर लीटर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जतिन, लवली सिंह है ना, प्रताप, गुरप्रिया, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से आप बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों
2.5 यानी कि 2.5 रुपए पर लीटर आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया जाएगा। ये क्या होता है, ये आपका पेट्रोल के दाम आपको पता ही है ना। और पेट्रोलियम नए मंत्री कौन बने हैं, आप में से कोई बताएगा, नए पेट्रोलियम मंत्री कौन बना है, नए जो पेट्रोल मंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, एनीवन कोई आप में से गेस करके बताएगा। मिस्ट क्या होता है, सरिता जी मिस्ट हमने आपको बताया, जो जैसे टीवी है या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स कुछ भी अगर आप खोलो तो आपको उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बिल्कुल। तो यहां पे आप लोग को पेट्रोलियम मंत्री कौन बने हैं, एनीवन कोई आप में से बताना चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता, ठीक है, तो किसने किसने जीता है अखिलेश जी जल्दी से बताइए, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे हु हैज वन अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020, तो क्या आता है, तो मैक्स वेस्टन है, आयरटन सेना है, लुइस हैमिल्टन है या सेबेस्टियन वेटल है, तो किसके द्वारा जीता गया है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। ये आपका फॉर्मूला रेस कार होती ही कर करके निकल जाता है। तो बिल्कुल हरदीप सिंह पुरी को सौंपा गया है, पहले हरदीप सिंह पुरी जो है उड्डयन मंत्री थे, जहाज उड़ाया करते थे, पर अब सिंधिया जी जहाज उड़ाएंगे, है ना। तो बिल्कुल आप लोग को पता ही है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डेट इज ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कोविंद्र सिंह, कोविंद्र जी बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट ऑप्शन होगा, मैक्स वर्स्टापेन। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स है, और ये आप पेट के एग्जाम की जा रहे हो या यूपीएसआई जा रहे हो तो बिल्कुल क्वेश्चन फंसेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया ये आपको बताना है। फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ, किसकी अध्यक्षता में पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो पहला सेशन यानी कि 1885 में हुआ होगा कांग्रेस की स्थापना, जो कि आपको अच्छे से पता है ग्वालियर टैंक मैदान पे हुई थी, और किसके नेतृत्व में, जी हाँ, तो ए ओ ह्यूम है, बद्रुद्दीन तैयब जी हैं, जे पी कृपलानी है या डब्ल्यू सी बनर्जी है, तो सबने आंसर डी चुना है और सबका आंसर सही है, सभी लोगों ने सही बताया। आप में से कोई बता पाएगा क्या जो ये INC ये किसका आइडिया था, ये जो INC है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो ये किसका विचार था या किसका आइडिया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये किसका आइडिया था दोस्तों, तो ये आइडिया था आपका लॉर्ड डफरिन का, किसका आइडिया था, लॉर्ड डफरिन का। आप हमसे रेगुलर मिल सकते हैं सुबह 7 बजे, याद रखिए रेगुलर सुबह 7 बजे और आपका दिन में 2:30 बजे, याद रखिएगा लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर, अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं। इसरो गगनयान का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान अभियान शुरू करने वाला है, तो ये कब आपका शुरू होगा ये आपको बताना है। ये आपका गगनयान है, आपको अच्छे से पता है गगनयान में, यहां पे अगर हम बात करें तो गगनयान में यहां पर क्या दिया गया है, तो गगनयान की जो मित्री है, जो मित्र है उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की, राहुल कुमार चौरसिया, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, जी हाँ 300 से ऊपर लाइक करना है आप लोग को, देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। तो इसरो, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जल्दी से आप में से बताइए, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो के सिवान, क्या है, तो के सिवान आपके इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। तो वेन इज इसरो शेड्यूल, आपको पता है गगनयान, लेकिन ये तय समय पर मुश्किल है जाना, और इसका आंसर होगा दिसंबर 2021, ठीक है, लेकिन ये दिसंबर में नहीं जा सकता है, मैं लिख के दे सकता हूं अगर आप कहो तो, इस टाइम पेपर पे नहीं जा सकता, ठीक है। हाँ ये अलग बात है, सरकार कुछ भी कह दे, कभी भी कोई भी मिशन भेजा जाएगा, याद रखिएगा कोई भी मिशन भेजा जाएगा तो वो जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में ही जा सकता है, जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में ही कोई मिशन लॉन्च हो सकता है, इसके पहले कोई मिशन लॉन्च नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, भारत की ओर से हम इसलिए बता रहे क्योंकि मौसम वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, ये वो समय होता है जुलाई से अक्टूबर जब मौसम की स्थितियां सामान्य होती हैं, आप समझिए,
मौसम की स्थितियां सामान्य होती है। आईएनसी के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल सब लोग जीतेंगे। यहां पर देखते हैं भाई कौन कौन जो भी आया है एक बार लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, एक बार क्लास को शेयर कर देगा और आप हमसे रोज मिल सकते हैं लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर। याद रखिए सुबह 7 बजे लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर और दोपहर 2:30 बजे, है ना। जी हाँ बिल्कुल लगातार मिलिए। तो आईएनसी के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो पहले अध्यक्ष यानी अंग्रेज के बारे में बात करें तो ये जितने हैं आपके यूले हैं, वेडनबर्न है, अल्फ्रेड है, हेनरी कॉटन, ये सभी के सभी आपके अध्यक्ष रहे। ये क्लास आज केवल सैटरडे को होती है, ठीक है, ये क्लास आज सैटरडे को होती है। बाकी जो हमारी क्लासे हैं दोस्तों, ये अगर हम बात करें तो ये हमारी क्लासे लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर चलती हैं। तो ए ऑप्शन होगा, ए क्या होगा, आईएनसी के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो ये पहले अध्यक्ष यानी कि अंग्रेज के बारे में बात करें तो वो आपके जो थे वो जॉर्ज यूले साहब थे। बिल्कुल यूले है, यूले, ठीक है, यूले यूले। अब यहां पे आप देखिए आपके सामने है, अगर आप मॉर्निंग में 7 बजे आते हैं, अगर आप मॉर्निंग में दोस्तों 7 बजे आते हैं तो आपको ये सेक्शन मिलेगा। याद रखेंगे मॉर्निंग में 7 बजे आपको ये सेक्शन मिलेगा। वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होता है, इसके बाद से चर्चा में होता है, फिर मैप सेक्शन होता है। तो आपका मैप भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा कब, जब आप मिलेंगे लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर रोज सुबह 7 बजे। किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार जनवरी फरवरी 2021 में जल पक्षियों की जनगणना की थी? सोचिए ये क्वेश्चन। बिल्कुल निशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहां पे आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहां पे जो आपको लगभग 6 महीने का करंट अफेयर्स मैंने डाल रखा है, क्योंकि पेपर में जो होगा वो लगभग 6 महीने पिछला करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो आप देखिए जनवरी फरवरी का हमने डाला है, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार जो जल पक्षी, जल पक्षी का मतलब वाटर, तो ये आपको बताना है। एनुअल जो है वाटर बर्ड सेंसस, जिस तरीके से हमारी जनगणना होती है इसी तरीके से जल पक्षियों की जनगणना, तो जल्दी से बताइए। तो आपने आंसर ए चुना है, किसी ने बी चुना है, पर इसका सही आंसर जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल। और ये पेपर में महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों पहले चुनाव थे, है ना, कुछ महीने, और वहां पे सीएम के रूप में दीदी फिर से आई है। और दीदी कौन सी बार आई है जल्दी से बताइए, सीएम के रूप में दीदी आई है तो कौन सी बार दीदी फिर से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताते चलो, चंदन देवागढ़ रजनी प्रजापति बहुत बढ़िया अवशेष राउडी, तो दीदी आई है, दीदी कौन सी बार आई है बताते चलिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार किस सत्र में गाया गया? वंदे मातरम, वंदे मातरम आपको पता है आना चाहिए, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। तो बिल्कुल दीदी जो है तीसरी बार बनी है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया आपको बताना है, मद्रास है, अलाहाबाद है, सूरत है, कलकत्ता है, या कौन सा है? तो यहां पे सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 1896 का, वो भी कलकत्ता का अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता का अधिवेशन है जहां पर वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। और वंदे मातरम जो लिखा है बंकिम चंद चटर्जी के द्वारा, और जिस पुस्तक का नाम है उसका नाम है आनंद मठ। और जल्दी से आप बताइए इस आनंद मठ की पृष्ठभूमि क्या है, इस आनंद मठ की पृष्ठभूमि क्या है, जल्दी से आपको जवाब देना है कि आनंद मठ की पृष्ठभूमि क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, रक्षा मंत्रालय ने 83 यानी 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस लड़ाकू विमानों के निर्माण का ठेका निम्नलिखित में से किस कंपनी को दिया है? तो किस कंपनी को दिया है आपको बताना है, LCA।
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यहाँ पे आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आपको दिख रहा होगा, ये देखिए शानदार आपको दिख रहा होगा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है MCA, ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका 17.5 टन है, तेजस मार्क सेकेंड विल बी द सेम वेट। तो कितना शानदार देखने पे लग रहा है। सन्यासी विद्रोह पे है चंदन जी, बिल्कुल सही है। तो अरविंद कुमार जी जवाब देते चलो, ठीक है, जवाब देते चलो, आपको मजा आता जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जवाब देते चलो, आपको मजा आएगा शानदार तरीके से। तो कौन है भाई, जल्दी से आप लोग को बताना है। तो वो है आपका HAL, HAL का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसमें कि आप में से कई लोगों ने शायद अप्रेंटिस किया हो, HAL में कई लोगों ने आप में से अप्रेंटिस किया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, और 10वां क्वेश्चन जो है आग लगा देगा, बिल्कुल पेपर में फंसा के रख देगा। इन्वेंशन ऑन सोमनाथ, सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण, कालिंजर पे आक्रमण, मथुरा और कन्नौज पे आक्रमण, थानेश्वर पे आक्रमण और बैटल विद आनंद पाल। आपको बताना है कौन किससे मैच करता है। हमने क्या कहा था, ये क्लास पेपर फंसाने वाली है। इस क्लास में आपके सभी लोगों के क्या खुलेंगे, तो सभी लोगों के यानी कि दिमाग की बत्ती खुलने वाली है। डी, तो जल्दी से जवाब है डी, पर डी नहीं है यहां पे जवाब है दोस्तों ए। याद रखिए पहले का जो है सोमनाथ पे आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी के द्वारा 1025 में, इसी तरीके से कलिंजर का आक्रमण था 1021, और ये सारा जो आक्रमण है यहां पे महमूद गजनवी का है जो कि गजनी वंश है। कौन सा है, गजनी वंश है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सब लोगों ने सही जवाब दिया है, भले तुक्का मारा हो पर सही दिया है, क्या बात है भाई। रॉबिन, चंदन, आदित्य, सुरजीत, शानदार। चलिए किस राज्य ने लॉन्च पैड योजना शुरू की है, विच स्टेट रोल्ड आउट द लॉन्च पैड स्कीम। यहां पे ये हिंदी में थोड़ा सा है, पैड, पैड आप लोग को पता ही है जो आपका है ना, जो महिलाओं से संबंधित है पीरियड्स वगैरह के लिए, पैड मूवी भी आई थी, और पैड मूवी में जो यानी कि जो एक्टर था उसने कहां के एक्टर की भूमिका निभाई थी ये आपको अच्छे से पता है ना। तो जो पैड मूवी में जिस एक्टर ने भूमिका निभाई थी वो था आपका साउथ का। तो यहां पे आपको बताना है, और शायद गाना भी है आज से, पैड जो है, पैड मूवी के कई सारे गाने हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के द्वारा पैड योजना शुरू की गई, इस योजना में जो महिलाएं हैं, जो बहने हैं है ना, उनको फ्री में पैड देने की बात की, ठीक है। अब ये तो MP की जनता ही बता सकती है कि उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि हम तो यूपी में हैं, हम MP की बात कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हम तो मन की बात करते नहीं है, है ना, कि समझ जाए। भूमि पेडनेकर की मूवी थी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन चंदन जी वो मूवी जो थी वो टॉयलेट थी है ना, जो पैडमैन जो थी वो दूसरी थी शायद, घोरी या गोरी जो है, गोरी कह लो, घोरी कह लो, जो भी कह लो, अघोरी कह लो, कुल मिला के मोहम्मद गोरी कह लो, क्या कह लो, कुल मिला के मोहम्मद गोरी कह लो, जो कि बहुत बार आक्रमण किया था, बिल्कुल जी हाँ। रिया जी आप है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए बताइए, तराइन जो है, गोरी के तराइन मोहम्मद की पहली लड़ाई में पराजित हुआ था। आपको बताना है तराइन के दो युद्ध हुए थे, आपको पता ही है, एक युद्ध जो लड़ा गया था 1191 में और एक लड़ा गया था 1192 में। तो तराइन के जो दो युद्ध हुए थे तो इसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था, किसके साथ पराजित हुआ था। सब लोग को गुड इवनिंग है ना, नमस्ते, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम, प्रेम से बोलो जय माता दी। तो भैया पराजित हुआ था तो 1191 में या 1192 में। सबुक्तगीन है, गयासुद्दीन है, पृथ्वीराज है। तो यहां पे आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन अगर नहीं कर पाए तो फिर गड़बड़ है। पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में हार गया, दूसरे युद्ध में गौरी जीत गया, क्यों, क्योंकि यहां पर घमंड आ गया, अहंकार आ गया। तो हमें कभी भी अहंकार वगैरह नहीं करना चाहिए। 2022 यानी कि 2022
विच नेशन विल होस्ट द 2022 वुमेन्स एशिया कप, अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए शानदार है। तो बिल्कुल शानदार है आपका 200 यानी कि 2022, जल्दी से आप बताइए और 300 का आंकड़ा पार कर जाइए और लाइक शेयर दबा दीजिए, एक बार लाइक शेयर दबा दीजिए, ठीक है। ये सैटरडे को हमारी क्लास होती है, रेगुलर हमसे मिलना है तो लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे आप आइए, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स और 2:30 बजे आपका बताइए। तो यहां पे इस क्वेश्चन का जवाब होगा दोस्तों डी, यानी कि अपने भारत में होने जा रहा है 2022 का यानी कि वुमेन्स एशिया कप। कितने गर्व की बात है, उम्मीद है या नहीं ये तो आप लोग जानते हो, कोरोना का हाल है ना, कोरोना का हाल तो आपको पता ही है, कोरोना का हाल अब होगा कि नहीं होगा ये समय बताएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है, कौन सी ऐसी ट्रॉफी है जो भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है। आप सोचो, सैयद मुश्ताक अली है, देवधर है, संतोष है या दुलीप है। तो जल्दी से आपको बताना है कौन सी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट इन इंडिया। तो जल्दी से बताइए भाई, नमस्कार सभी लोगों को, है ना, जय माता दी, राम राम। तो यहां पे आंसर होगा संतोष ट्रॉफी। तो एक प्रश्न ये उठता है कि आप लोगों को अगर संतोष है तो जल्दी से बताइए संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। क्या बात है मुकुंद जी, बहुत बढ़िया, मुकुंद जी ने बता दिया और बाकी लोगों को भी पता है दोस्तों कि जो ये है आपका फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, बाकी सभी ट्रॉफियां जो है क्रिकेट से रिलेट करते हैं। प्रश्नों का लेवल कैसा है आप में से कोई बताएगा, प्रश्नों का लेवल कैसा है। निम्नलिखित में से किसने पल्लव राजवंश की स्थापना की थी यह आपको बताना है। जी हां, पल्लव राजवंश की स्थापना की थी पल्लव, सिम्हा विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिम्हा वर्मन प्रथम या महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं कौन बताता है। आप हमसे रेगुलर मिल सकते हैं लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे सुबह 7 बजे, अगर आपको लगता है कि नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। भाई एसी नहीं चल रहा है, पंखा चल रहा है, गरीब आदमी है, ठीक है, पंखे से काम चला रहे हैं। तो यहां पे आंसर जो होगा दोस्तों ए होगा, सिम्हा विष्णु, यानी कि ए ऑप्शन होगा, सिम्हा विष्णु इज द राइट ऑप्शन, सिम्हा विष्णु के द्वारा। क्या बात है, मुझे लगता है कि आज आप लोग गदर काटोगे, बहुत बढ़िया। यहां पे जरा ध्यान दीजिए, आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 7 बजे और 2:30 बजे। सुबह 7 बजे जो करंट अफेयर्स होता है, 4 सेक्शन होते हैं, वन लाइनर होता है, चर्चा में होता है, एमसीक्यू होता है और मैप सेक्शन, ये सुबह 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 में। और आप इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना, जो कि चद्दर लपेटे हैं हमारे देश के, बिल्कुल कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमने पहले बताया कि हमारी क्लास के क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे पर होंगे नहीं। तो कितने बच्चों को, यहां पे कोई धीरे से अगर देख पाएगा तो यहां पे लिखा हुआ है, बिल्कुल नजरें आप लोग की लग रहा सही नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ा गई, अच्छा दिख नहीं रहा था। यहां पे जो आंसर लिखा था 32, यहां पे आंसर लिखा है 32, यानी 32 बच्चों को इस बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया था। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में राष्ट्रगान जन गण मन। आपको पता है जन गण मन गाने को कितना टाइम लगता है, जल्दी से बताइए जन गण मन गाने को कितना समय लगता है, है ना, देखते हैं कौन बता पाता है। हाँ
हाँ कूद जाओ भाई। तो यहां पे आप बता रहे हो तो तैयब जी, पर लेकिन तैयब जी नहीं है, याद रखिएगा, जो पंडित बीएन धर है, कई बार शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है और इनका नाम शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है बीएन धर, पेपर में ऐसे ही लिख के आता है बी एन धर। तो बी एन धर का मतलब हो गया पंडित विशन नारायण धर, याद रखिएगा। जी हाँ, पंडित विशन नारायण धर। भाई कुछ लोग पीछे रह गए हैं तो वो एक बार रिफ्रेश कर लें, अपने आप को एक बार रिफ्रेश कर लें तो आगे आ जाएंगे। 52 सेकंड, और शॉर्ट वाला जो है 20 सेकंड में गा दो, क्या बात है। और जनगण मन लिखा किसने, ये तो पता ही होगा। एक दुर्लभ धातु है जिसका नाम वेनेडियम है, किस भारतीय राज्य में पाया गया है। अरे अमित जी राजपूत, आप जो बता रहे हो पल्लव वंश के, वो सिंघम विष्णु थे, और जो गोपाल बता रहे हो वो पाल वंश के थे। पाल वंश के बारे में आप बता रहे हो ना, पाल वंश के जो संस्थापक थे श्री गोपाल थे, है ना। इसीलिए कहते हैं सही टीचर से पढ़ो, सही जगह पढ़ो। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है, तो जल्दी से आप बताइए। अब यहां पर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वेनेडियम क्या है। वेनेडियम दोस्तों क्या है आपको बताना है ना। तो वेनेडियम धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका क्या है, धातु है, मेटल है। जी हाँ, और ये पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश भारत के हिस्से में। और यहां पर जो आपको ये निशान दिख रहे हैं, ये वो स्थान है जहां पर वेनेडियम आपको मिलता है, ठीक है। यहां पर वेनेडियम आपको मिलता है, याद रखिएगा, जो आपका पीला है वहां पे ज्यादा मिलता है, जो आपका नीला है वहां कम मिलता है, और जो हल्का नीला है वहां ज्यादा मिलता है। मामलुक शब्द, मामलुक शब्द के बारे में कह रहा है कि मामलुक शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों। तो मामलुक शब्द का क्या अर्थ है, जल्दी से आपको बताना है। व्हाट डज द टर्म मामलुक सिग्निफिकेंस, तो जल्दी से आप बताइए मामलुक शब्द का क्या अर्थ है। आप लोगों ने सुना होगा दास वंश के बारे में, दास वंश, आपने सुना होगा गुलाम वंश, और आपने सुना होगा मामलुक वंश। देखिए, चाहे दास कह लो, चाहे गुलाम कह लो, चाहे मामलुक, कहते हैं ना अरे मामू बना दिया, तो मतलब ही है मामू बना दिया। तो दास है, गुलाम है, और मामलुक वंश है। तो यहां मामलुक शब्द का क्या अर्थ है, तो मामलुक शब्द का अर्थ आपको बताना है। नाम आपको याद रहेगा अनंत सर, ठीक है। तो कोड आपको यूज करना है अनंत बी, ठीक है। क्या कोड आपको लगाना है, अनंत बी कोड लगाना है आपको, याद रहे। और इस प्रश्न का जवाब है दोस्तों ए, यानी स्लेव बॉर्न और टू द फ्री पेरेंट्स, स्लेव बॉर्न टू द फ्री पेरेंट्स, यानी कि पता ही नहीं चला कि उनके माता पिता कौन है, पता ही नहीं चला। सरकारी ऑप्शन। यहां पे कुछ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, याद रहे। यूपीपीएससी एंड UP SSC अनाउंस कर रहा है 12 महीने का प्रोग्राम, जिसमें 2 महीने आपको फ्री मिल रहे हैं दोस्तों, और 24 मंथ्स का जो है दोस्तों 1 मंथ फ्री है। प्लस फीचर्स के बारे में बात करें तो आप लोग को पता है अनलिमिटेड क्लासेस होती हैं, हम ऐप पर भी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होता है, PDF आपको दिया जाता है, आंसर राइटिंग से लेकर मेंटर गाइडेंस भी दिया जाता है। हमारे मेंस के कोर्स दोस्तों चल रहे हैं जो कि फरवरी से हैं, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो यू कैन टेक इट। और एक फ्री टेस्ट होता है जो कि सुबह 10 बजे होता है, आज भी हुआ था और ये दोस्तों कल भी होगा। इसी तरह मेंस के लिए आपका टेस्ट जो चल रहा है वो 25 जुलाई को है, यहां पर आपका एक सारथी है, ठीक है। सारथी बैच जो है दोस्तों 9 जुलाई से शुरू हो गया, अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, जस्ट वेट ओनली 1 मिनट। और इसी तरीके से प्रगति बैच है दोस्तों RO के लिए 10 जुलाई, आपको कोड लगाना है अनंत भी। क्या कोड लगाना है दोस्तों, अनंत भी कोड लगाकर एक बार ओपन कीजिए ताकि हमें भी कुछ हासिल हो। 12 महीने का प्रोग्राम है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPPSC, ये आपका 14 जुलाई से बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, याद रखेंगे। और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर स्टेट PCS संपूर्ण 191, है ना। और डिस्काउंट के बारे में बात करें दोस्तों तो 10% का एक हैवी डिस्काउंट है, जिसमें 1 मंथ की फीस 1000 प्लस है,
थ्री मंथ की 3000 प्लस है, सिक्स मंथ की 5000 प्लस है, 12 मंथ की 6000 प्लस है और 24 मंथ की 7000 प्लस है। कोड आपको अनंत भी लगाना है। चलते हैं आगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों में प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो जल्दी से आपको बताना है कि भारत में चार पुरस्कार मुख्य होते हैं, चार पुरस्कार जो होते हैं वो आपके मेन होते हैं। अब चार में से आपके सामने है, एक है दोस्तों पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण, एक है पद्मश्री। तो यहां पर पद्म विभूषण जो है दोस्तों दूसरे नंबर पे, पद्म भूषण तीसरे नंबर पे, पद्मश्री चौथे नंबर पे आता है। आपको बताना है पहले नंबर पे कौन सा आता है भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार, ये आपको देखना है। भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो चौथे नंबर पे कौन सा आता है, ये जल्दी से आपको बताना है। तो यहां पर आंसर जो है क्या होगा, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं दोस्तों, जापान के हैं, प्रचार की वजह से 100 लोग कम हो, कोई बात नहीं डियर, लेकिन क्या करें, देखिए आपको क्या है, थोड़ी देर अगर एक मिनट अगर हम आपका कीमती समय ले रहे हैं तो मुझे लगता है देना चाहिए, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन का लेवल भी तो दे रहे हैं, आप समझिए, है ना। देखिए आप लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे आइए सुबह 7 बजे, है ना, और 2:30 बजे आपको वहां पे बिल्कुल भी आराम मिलेगा। भारत रत्न, सब लोगों ने सही जवाब दिया है, भारत सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न होता है। आप में से कोई बताएगा इस भारत रत्न में कितनी मुद्रा दी जाती है, भारत रत्न में कितनी मुद्रा दी जाती है, पैसा, हाय पैसा, ओ पैसा, कितना पैसा दिया जाता है। बिल्कुल आयुषी जी, पीडीएफ भी मिलेगी। इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, या कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है 2021 में, 2021 में कितने। तो बिल्कुल मसालेदार रायता बिरयानी पुलाव, बिल्कुल 0 रुपया दिया जाता है, कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। तो आप में से कौन कौन भारत रत्न लेना चाहेगा, क्यों, क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं जिसे भारत रत्न मिलता है उसे एक वरीयता क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है दोस्तों, सीनियोरिटी, यानी कि वरीयता क्रम। जैसे कि आपसे हम कहें कि पहला नागरिक कौन होता है, तो देश का पहला नागरिक जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। इसी तरीके से क्रम में जिसे भारत रत्न दिया जाता है वो कौन से नंबर पे आता है, आप में से कोई बताएगा। जी हाँ बिल्कुल, तो इस बार जो दिया गया है दोस्तों वो आपका 10 लोगों को दिया गया है, 9 लोगों को नहीं दिया गया है, 10 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो 10 लोगों को पद्म भूषण है, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे दोस्तों पद्म भूषण है, विभूषण नहीं है, ये पद्म भूषण है, याद रखिए। तो 7वें नंबर पे आता है, बिल्कुल सही जवाब दिया है अभिषेक कुमार, अभिषेक जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, जो भारत रत्न होता है वो 7वें ए में आता है, 7 के ए में आता है, बिल्कुल हाँ। भारत रत्न हलवा नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छा काम करोगे तो जरूर मिलेगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की हत्या चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने की थी। आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग पल्लव किंग किल्ड बाय द चालुक्य किंग विक्रमादित्य द्वितीय, कौन था जो यानी कि चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा मारा गया, पल्लव किंग। डिले क्लासेस कब करें, जयवीर जी सिंपल सी बात है, आप रेगुलर जो है सुबह 7 बजे आइए, ठीक है, सुबह 7 बजे आइए लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर। सभी लोग एक बार आप लोग आओ, फिर आप यहां पे कंटेंट देखना, पहले मैं बोल रहा हूं कंटेंट को फोकस करके आना, कंटेंट, कंटेंट आपको एक नंबर का रहेगा, जो वो कंटेंट जो पेपर में आने वाला है ना। तो यहां पे आंसर होगा परमेश्वरम द्वितीय। चलिए बहुत बढ़िया, फिर हम आपको बता दें अगर 7 बजे आप आते हो तो आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, वन लाइनर मिलेगा, चर्चा में मिलेगा, एमसीक्यू सेक्शन होगा और मैथ सेक्शन होगा सुबह 7 बजे। चलिए नए और घातक
रोग एक्स, कौन सा रोग है? रोग एक्स का संभावित पहला मामला किस राष्ट्र में खोजा गया है? द पोटेंशियल फर्स्ट केस ऑफ डिसीज एक्स, ठीक है। एक अभी यूपी में, कल हम न्यूज पढ़ रहे थे तो यूपी में एक नया वेरिएंट आया है सामने, ठीक है। जैसे कि आपको पता है डेल्टा है, अल्फा है, लैम्डा है, गामा है, है ना। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक नया आया है, कौन सा है? डेल्टा, अल्फा, कौन सा है? जल्दी से बताएं। बिरयानी, पुलाव, जल्दी से भाई 300 लाइक कर दो भाई, कुछ लोग बचे हैं, क्या बात है भाई। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे सही आंसर होगा दोस्तों डी, यानी कि डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और हमने उत्तर प्रदेश में बोला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में कप्पा, कौन सा खोजा गया है? चंदन देवगन, सॉरी चंदन देवगन, क्या बात है भाई, बड़े होशियार हो चंदन देवगन भाई, बहुत बढ़िया। कप्पा खोजा गया है, कप्पा कप्पा कप्पा, देखिए कप्पा है कटप्पा नहीं है, कप्पा है कटप्पा नहीं है, याद रखिएगा, है ना। बाहुबली को कटप्पा ने जरूर मारा था, फिर यहां पर कप्पा है, और यह उत्तर प्रदेश में नया वेरिएंट मिला है। चलिए, तमिलनाडु और भारत के पड़ोसी राज्यों में खेला जाने वाला जलीकट्टू, जो जलीकट्टू खेल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जलीकट्टू आप लोग को पता है, जी हाँ, जलीकट्टू जो है आप लोग को पता है, जलीकट्टू, कुछ लोग क्या होते हैं जलीकट्टी सुनाते हैं, आप लोग जानते हो जलीकट्टी जो सुनाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जलीकट्टू स्पोर्ट्स प्लेड इन तमिलनाडु एंड नेबरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जलीकट्टू जो है किस निम्नलिखित से संबंधित है, यह आपको जवाब देना है। तो सही जवाब सबने दिया है, ये जो है बुल फाइटिंग एंड बुलक कार्ट रेसिंग। तो यहां पे देखिए तो बुल फाइटिंग सही होगा, यहां पे बुलक कार्ट रेसिंग जो है ये थोड़ा सा नहीं होगा, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। अब यहां पे ये बताइए कि जो बुलक कार्ट रेसिंग है, तो बुलक की जगह यहां पे भैंसा होता है, क्या होता है दोस्तों? भैंसा होता है, मतलब थोड़ा सा होता है। मेन क्या होता है? बुल फाइट, यानी कि सांड को खोल दिया जाता है, सांड को, और उसके बाद से कुछ लोग काबू करते हैं। तो बुल फाइटिंग, जैसे स्पेन में, स्पेन में कहा जाता है बुल फाइटिंग, और हमारे भारत में इसे जलीकट्टू कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में होता है। जो भैंसा दौड़ होता है वो कहां होता है? भैंसा दौड़, भैंसा दौड़ कहां होता है? हाँ, खुदकुशी का तरीका है। अरे भाई सुरजीत जी, भैंसा आपने दौड़ा तो दिया है, पर कहां पर? तो जल्दी से भैंसा दौड़ बताओ, पेपर में आएगा क्वेश्चन 100%। ये कर्नाटक में होता है, कहां होता है दोस्तों? कर्नाटक में, ये कर्नाटक में होता है भैंसा दौड़। और इस खेल का नाम क्या है जो भैंसा दौड़ है? तो भैंसा दौड़ खेल का जो नाम है, इसका नाम है कम्बाला। क्या नाम है? कम्बाला, याद रखिएगा, कम्बाला है, कम्बाला नाम है, जो कि भैंसा दौड़ कर्नाटक में होता है। जो धान का खेत जब तैयार हो रहा होता है उसी समय ये खेला जाता है, और जो बुल फाइटिंग है वो स्पेन में होता है। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा को ममलन, यानी महान पहलवान बोला जाता है? कौन सा वो पल्लव राजा था जिसे महान पहलवान बोला जाता है, ममलन बोला जाता है? पूंछ पकड़ के हवा में उड़ो, वाह वाह, सही है भाई, कम्बाला। तो कौन सा राजा है जल्दी से आपको बताना है, महान, और उसी के नाम पर मंदिरों का शहर महाबलीपुरम बना। याद रखिएगा, जो ममलम है इसी के नाम पर महाबलीपुरम, जो महाबलीपुरम है ये आपको बताना है। तो यहां पे आंसर जो होगा दोस्तों, ये एन जो है आपका, याद रखेंगे थोड़ा सा, यानी कि हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नरसिंह वर्मन फर्स्ट है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है? ये क्वेश्चन जब आता है तो हम बड़े सैड हो जाते हैं। क्यों सैड हो जाते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे मजदूर होते हैं जो कि कोयले की खान में, या आप कह लो कॉटन इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं,
तो वहां पर जो धूल धक्कड़ होता है उससे उनके जो लंग्स में बीमार हो जाते हैं और इसके कारण उनको ब्लैक लंग्स होता है। तो राम बाबू गुजर, बढ़िया जवाब दे रहे हो आप भी, है ना। फैब स्टेटस, जयवीर, निरंजन, नम्रता, अविनाश, हेमा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों कहा जाता है क्लोम, जो है मुमिया, यानी कि फेफड़े से संबंधित बीमारी। और धीरे धीरे ये जो है दोस्तों टीबी का रूप ले लेती है। ये किसका रूप ले लेती है? टीबी का रूप ले लेती है, खांसी आने लगती है। तो इसका आंसर जो होगा क्लोम, जो है आपका गोला रुग्णता। हीरे की चमक का मेन कारण क्या है? जल्दी से बताएंगे, हीरे की चमक का मेन कारण, हीरा जो चमकता है किस वजह से चमकता है ये आपको बताना है। हीरा, हीरा है सदा के लिए, क्यों चमकता है? वेरी सैलो होता है, आइडियल होता है, डीप होता है, वेरी डीप होता है, पुअर होता है, या गुड कंडक्टर्स। यहां पे आप लोग को हीरे की अलग अलग हमने कटिंग को दिखाया है। आप देखिए कि जब कैसा कटता है, जब आपका इस तरीके से कटता है तो पुअर होता है, जब ऐसा कटता है तो गुड होता है, एक्सीलेंट होता है, ये पुअर है, ये वेरी पुअर है ना। तो आप ध्यान दीजिए। तो ये अलग अलग कटिंग है, पर आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण और क्या होता है? एक एंगल होता है, जिस एंगल पे कोण बनता है उसके कारण हीरा पूरा चमकता है। संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था? आपको बताना है कौन से ऐसे प्रावधान थे या कौन इसमें से प्रावधान था जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस दिन, बिल्कुल सही है अभिषेक, निरंजन, सत्य, आकाश, बाबू, है ना। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा आत्मार्पित हुआ था, अधिनियमित हुआ था, वगैरह वगैरह। जबकि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 लागू जो हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो आप ये बताइए इनमें से कौन सा लागू नहीं हुआ था 1950। अच्छा भाई, 1950, तो 1950 होगा भाई, कौन होगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों सी होगा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। वो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं दोस्तों? आपको पता ही है फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो ये मौलिक अधिकार उस दिन लागू नहीं हुए थे। जबकि चुनाव से संबंधित, नागरिकता से संबंधित लगभग ऐसे 15-16 प्रावधान थे जो कि लागू हो गए थे। बिल्कुल राम बाबू जी, धन्यवाद। ठीक है, आप सब लोग अगर एक बार क्लास को शेयर कर देंगे तो अच्छा लगेगा, लाइक कर देंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, और उससे ज्यादा हमें अच्छा तब लगेगा जब आप सब लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे आएंगे। अगर लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे आप आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सुबह 7 बजे और 2:30 बजे। चलिए, ऑटोमोबाइल्स यानी ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कारण जो ये हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो कौन से नियम पे काम करता है? जैसे गाड़ी आपकी जा रही है, भगा के जा रहे हैं और फिर अचानक रुक गया। जी हाँ, बिल्कुल, स्पीड बढ़ाओ। देखिए स्पीड तो नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हाइड्रोलिक ब्रेकों के कारण कौन सा नियम लागू होता है ये आपको बताना है भाई। तो कौन सा है? ऊष्मा का नियम है, पास्कल का नियम है, आवेश का नियम है, गति का नियम है। तो यहां पे बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हो दोस्तों, पास्कल का नियम है। जैसे बड़े बड़े आपने जेसीबी वगैरह देखे होंगे, तो बड़े बड़े जेसीबी मशीन होते हैं इनमें, यहां तक कि आपने जो कहने का है डिस्कवर आती है, या फिर कौन सी पल्सर बाइक आती है, अपाचे बाइक आती है, तो आप देखना हैंडल के पास वहां पे एक छोटी सी डिबिया होती है ना, तो उसमें मतलब लिक्विड भरा होता है। तो डेट इज हाइड्रोलिक ब्रेक का ये सिस्टम वर्क करता है। अब आते हैं थोड़ा सा डांस, है ना, तो थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस।
तो लुंगी डांस के बारे में आप लोग को पता ही है, जल्दी से बता दिए लुंगी किया है। लुंगी डांस गाना आपको पता है, यानी कि रजनीकांत के ऊपर कहा जाता है, तो रजनीकांत को यानी कि रजनी जी को, और रजनी जी जो है वो साउथ में किस नाम से जाने जाते हैं, रजनीकांत सुपरस्टार हैं, वो किस नाम से जाने जाते हैं, यहां पे सब लोग आप देख रहे होंगे, है ना, उसको डिस्क ब्रेक बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा निरंजन जी, उसे डिस्क ब्रेक बोलते हैं। तो ये आपने देखा और इसको समझा कि ये हरियाणा में है, और ये लुड्डी है, कौन सा है, लुड्डी है। सब लोगों ने हरियाणा जवाब दिया है, पर यहाँ पे सब लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये हरियाणा का ही डांस है जिसे लुड्डी डांस कहते हैं। लुड्डी डांस, हरियाणा इज द राइट ऑप्शन, हरियाणा इज द राइट ऑप्शन। तो क्या कहा जाता है रजनी जी आपको, रजनी जी को कहा जाता है थलाइवा। बिल्कुल राजीव घोष, राजीव घोष बिल्कुल भाई, किसी का नाम अगर गलती से गलत हो जाए तो डोंट माइंड, है ना, क्योंकि जल्दी से नाम पढ़ते हैं और फिर नाम लेते हैं ना, तो डोंट मतलब मत हो जाइएगा कि लो सर जी ने मेरा नाम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 31 आपको बताना है, बहुत बढ़िया, कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संरक्षण का सही तरीका नहीं है। ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट द करेक्ट, कौन सा सही तरीका नहीं है खाद्य संरक्षण का, आलू के चिप्स, दूध, एप्पल, कच्चा, जल्दी से आप बताइए। जी हाँ, मतलब खाद्य संरक्षण का मतलब ये होता है कि आप इसको सही तरीके से मतलब रखते हो तो लंबे समय तक का आप रख सकते हो, तो जल्दी से आपको बताना है सी। सबका जवाब गलत हो गया, सी नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा मिल्क। क्या दूध से पनीर बनाकर एक लंबे समय तक आप रख सकते हो, सोचो। अधिकतर लोगों का जवाब गलत है, सबने जवाब गलत दिया, यानी कि सबने जवाब जो है गलत दिया है, इसका आंसर बी होगा। राजीव घोष ने जवाब सही दिया है, ठीक है राजीव घोष, बाकी सब लोगों ने गलत दिया, कोई बात नहीं होता है। देखिए दूध को हम पनीर बना के कब तक रख सकते हो आप सोचो, आलू के चिप्स तो आपको मिलते ही हैं, सालों साल मिलते हैं, है ना, एप्पल का जैम भी आता है, और अचार तो आपने हो सकता है कि दादी ने बनाया, नानी ने बनाया, तब का अचार खा रहे हो आप, है ना, तो याद रखिए। जी हाँ, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन सरल था, लेकिन देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, और बिहारी के दोहे जो आपको आगे पता ही है। तो बिहारी की रचना का नाम क्या है जल्दी से बताइए, जिस रचना से ये हमने आपके सामने पंक्ति कही है। संजय जी सही, मतलब देखो कहने का मतलब है कुछ लोग का सही होता है तो जल्दी में देख नहीं पाते। अगर आप हमसे सुबह 7 बजे मिलते हैं लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे दोस्तों, तो हमारा सुबह 7 बजे वन लाइनर आता है चर्चा में, फिर एमसीक्यू सेक्शन होता है और मैथ सेक्शन होता है, ये सुबह 7 बजे होता है, और 40-50 मिनट की क्लास में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको मजा आएगा। व्हाट इज द इरिगेशन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स, कह रहा है पौधों की जड़ों में जल को बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि को क्या कहा जाता है, आपको ये क्वेश्चन कह रहा है। जी हाँ, तो जल्दी से, यानी कि सरकार के द्वारा नारा भी दिया गया इसके लिए, इसके लिए सरकार के द्वारा नारा क्या दिया गया था, पर ड्रॉप्स मोर क्रॉप्स, क्या नारा दिया गया था, पर ड्रॉप्स मोर क्रॉप्स, याद रखेंगे ठीक है, पर ड्रॉप्स मोर क्रॉप्स, और इसका सही आंसर है दोस्तों सी है, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप का मतलब हो गया ड्रिप इरिगेशन, यानी कि ड्रिप सिंचाई। अब यहां पे आप देख सकते हैं अलग अलग यानी कि मेथड है, जैसे ये है आपके सामने, ये है, ये जो होता है इसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन, और ये जो ऊपर है इसे क्या कहते हैं, आप में से कोई जानता है, शायद आप में से मे भी किसी ने देखा हो, ये जो होता है लिफ्ट टाइप का है, ये एक प्रकार का, आपको हिंदी में अगर हम कहें तो इसे रहट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रहट, सुना है किसी ने रहट, है ना, आपने गाना सुना होगा ठंडा ठंडा पानी तेरे खेतों से पी के आया मजा मजा, मूवी का नाम नायक है। जी हाँ, कोई बात नहीं, गलत होता है, हो जाने दीजिए। हुज रजिस्टर इज द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड,
मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है किसका रजिस्टर है या किससे संबंधित है आपको यह बताना है। जी हाँ, तो मॉन्ट्रेक्स रजिस्टर के बारे में आपको बताना है। मॉन्ट्रेक्स रजिस्टर किससे संबंधित है आपको जवाब देना है। खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियों से, वन प्रजातियों से, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे जो है, या फिर कोई और। टुल्लू पंप एक अलग होता है। फिर से हम बता दें, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे सुबह 7 बजे और 2:30 बजे क्लास चलती है। तो यहां पे मॉन्ट्रेक्स है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, आर्द्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? आर्द्र दिवस, इसी को पता है, आर्द्र दिवस। ये आपका वेटलैंड डे, शायद सुना हो, वेटलैंड डे। नहीं सुना होगा तो ईरान का सुना होगा। ईरान के रामसर शहर में समझौता हुआ था, रामसर शहर में 1971 में, ईरान के रामसर शहर में। सुना है सबने? नहीं सुना है तो भैया लगातार मिलो हमसे तो फिर पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका सी हो जाएगा। और हमने आर्द्र दिवस के बारे में पूछा, और आर्द्र दिवस जो है, रायता बिरयानी पुलाव ने सही जवाब दिया है, 2 फरवरी। कब होता है दोस्तों? 2 फरवरी को होता है। जी हाँ, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो यकीन करेंगे कि आप हमसे जरूर मिलेंगे लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर। और नहीं तो ये क्लास केवल और केवल शनिवार को होती है, याद रखिए, केवल और केवल शनिवार को 4 बजे। वेयर आर द लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड? आपको बताना है सबसे लंबे, सबसे बड़े और सबसे घने वन कहां पर है। सबसे बड़े, सबसे घने वन कहां पे हैं? भारत में है, तंजानिया में है, ब्राजील में है, कनाडा में है। कोई बात नहीं, जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं। आपको आज की क्लास का पैटर्न कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे थे, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सभी करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, पैटर्न कैसे थे, आपको कैसा फील हुआ और आगे आप क्या चाहते हो। तो यहां पे आंसर जो होगा दोस्तों सी, यानी कि ब्राजील। ब्राजील के जंगलों को कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ। क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ अर्थ, यानी कि आपको पता है पृथ्वी के फेफड़े, तो लंग्स ऑफ कहा जाता है। यहीं पे अमेजॉन के जंगल है, और अमेजॉन के जंगल के जो, अमेजॉन के जो सीईओ हैं, उन्होंने क्या दिया है आपको नाम पता ही है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये आपको अमेजॉन दिख रहा है, और यहां पर अमेजॉन आपको दिख रहा है तो ये आपका साउथ अमेरिका है। कौन सा है दोस्तों? साउथ अमेरिका। तो जरा मुझे बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों कि साउथ अमेरिका यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप में 2 देश लैंड लॉक्ड है। कितने देश? 2 देश लैंड लॉक्ड है, और उन दोनों देशों का नाम अगर आप में से कोई बता दे तो कसम से, मतलब अभी तक जितना मैंने पढ़ाया मुझे खुशी होगी, ये 2 देश आप बता दो जो लैंड लॉक्ड है। पेपर में क्वेश्चन आएगा। एंडी जेसी न्यू सीईओ है अमेजॉन के। वेरी गुड। जी हाँ, जल्दी से आप बताइए, 2 देश हैं लैंड लॉक्ड, तो 2 देश कौन कौन से हैं? एक आपका है पराग्वे, और एक है दोस्तों बोलीविया। याद रखेंगे, मसालेदार रायता बिरयानी बिल्कुल सही है। तो एक है पराग्वे और एक है बोलीविया। भूकंप आने से पहले, तो भूकंप आ जाएगा है ना, इससे पहले जवाब सही दे दो। भूकंप आने से कुछ मिनटों या घंटों पहले निम्न में से कौन सी गैस जमीन से बाहर आती है? जी हाँ, कौन सी गैस जमीन से बाहर आती है ये आपको बताना है। भूकंप आने से कुछ मिनटों या घंटों पहले कौन सी गैस दोस्तों बाहर आती है? तो मुझे लगता है ये आपको पता होना चाहिए। और भूकंप को मापने के 2 यंत्र होते हैं। कितने यंत्र होते हैं दोस्तों? 2 यंत्र हैं आपके, एक का नाम आपको पता है, एक का नाम रिचर है और एक का नाम मरकेली। और यहां पे सही आंसर जो है दोस्तों रेडॉन है। बिल्कुल सही जवाब दिया। तो ये आपको क्वेश्चन होमवर्क का है, तो होमवर्क का क्वेश्चन का जवाब देना है आप सभी लोगों को। मन करे तो शेयर और लाइक करिएगा, साथ में ये जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी है ना, कैसा लगा हमारा पढ़ाने का तरीका।
अगर अच्छा लगता है तो सुबह 7 बजे जरूर आइए, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर। आप अपने लिए आइए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए आइए। और यहाँ पे अगर आप 7 बजे दोस्तों आते हो तो ये आपको मिलेगा एक तरीका, सुबह 7 बजे वन लाइनर चर्चा में एमसीक्यू और मैथ सेक्शन, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो बस सुपर कम्बो ऑफर के बारे में हम आपको बता देंगे लास्ट में, यानी कि बिहार और यूपी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो 6 मंथ का पैक 7000 प्लस, 12 मंथ्स का 10000 प्लस और 24 मंथ्स का 14000 प्लस, ठीक है। जी हाँ, तो ये आपके सामने थी आज की क्लास, आप लोगों ने एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का दिल से। तो ज्वाइन अस यूट्यूब पे, आप हमें कर सकते हैं लाइक करें, शेयर करें और हम